एवरीवन, आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए हम पहले आधा किलो कच्चे आम लेंगे। इसे अच्छे से छील लेंगे जिससे इस पे थोड़ा सा भी छिलका ना रहे। अगर इस पे छिलका रह गया तो हमारा मुरब्बा थोड़ा हल्का कड़वा हो जाएगा। इसे छीलने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पल्प को कढ़ाई में लेंगे और इसके बराबर ही चीनी डालेंगे इसके अंदर। जितना गूदा है उतना ही चीनी होनी चाहिए। जितना पल्प होगा हमारा उतनी ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा लगे। आप देख सकते हैं कि चीनी पल्प के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। करीब 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। अब आप देख सकते हैं चीनी और पल्प अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसने हल्का हल्का चाशनी बननी शुरू हो गई है। इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और इसके आसपास बबल्स ना दिखने लगे। तो हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची और जायफल। इलायची और जायफल डालने से पहले आप इसे अच्छे से कूट लें जिससे पाउडर फॉर्म में आ जाए और बराबर इसमें मिक्स हो सके। इस कूटने से इसका मिक्सचर अच्छे से मुरब्बे में मिक्स हो जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और इलायची से इसके अंदर एक अलग खुशबू आ जाती है। इलायची और जायफल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ये अच्छे से हमारे जैम में मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि जैम तैयार हो चुका है। इसके साइडों में आप देख सकते हैं कि बबल्स फॉर्म हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और हल्का ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है इसका। कच्चे आम का मुरब्बा रेडी है। इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप किसी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज है। इसमें शुगर होती है जो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो आप इसे स्टोर करके थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।